आज मैं एक लंबे ब्रेक के बाद बहुत ही खास ट्रेडिशनल राजस्थानी रेसिपी आपके बीच लेकर आई हूँ, जिसे बनाते बनाते आपके हाथ पीले हो जाएंगे। तो आप समझ ही गए होंगे मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हल्दी की सब्जी या अचार, जो भी कह लें, बिल्कुल ट्रेडिशनल राजस्थानी स्टाइल में आज हम इसे बनाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से हम बनाएंगे। इसके लिए हमने हल्दी को छील लिया है और फिर बारीक टुकड़े कर लिए हैं और घी डाल दिया है कढ़ाई में। इसमें घी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लगेगी क्योंकि हल्दी की तासीर गर्म होती है। हल्दी के बेनिफिट्स तो आप सभी को पता होंगे ही सही। हींग, जीरा, राइस और सौंफ, इनका झोंक लगाया है और हल्दी को फ्राई करेंगे। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, एंटी फंगल होती है, इससे जोड़े के दर्द में आराम मिलता है और कैल्शियम इससे सीधा मिलता है। ये देखिए, हल्दी को फ्राई करते हुए लगभग 8 से 10 मिनट हो गए हैं, कलर चेंज हो गया है। अब इसे हम बिल्कुल शाही अंदाज में बना रहे हैं और बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं। एक बार ये तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सब बनाना भूल जाएंगे। यहाँ काजू को फ्राई कर लिया है, अब किशमिश डाली है तो किशमिश थोड़ा सा फूल जाएगी, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। फिर इसमें हम डालेंगे लाल मिर्ची और धनिया, सूखा मसाला हमें इसमें ऐड करना है। या हम हल्दी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी हल्दी की सब्जी बना रहे हैं। इन्हें अच्छे से मसाले को मिक्स कर दिया है हमने। ये देखिए, मसाला मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे गाढ़ा दही, गाढ़े दही को मिक्स करेंगे अच्छे से हम। ये सब्जी आप एक बार बना कर रख देंगे तो 15 दिन के लिए आप इसको बना कर रख सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं। अब इस गाढ़े दही को अच्छे से मिक्स कर दिया है। क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। यहाँ क्वांटिटी मैंने थोड़ी बनाई है, लेकिन अगर आप लगभग 250 ग्राम बनाते हैं तो उसके साथ आपको 100 ग्राम घी मिनिमम लेना पड़ेगा। ये देखिए, घी ऊपर आ गया है, मसाला ने घी छोड़ दिया है। अब इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट इसलिए हम ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा दही फटे नहीं। अब अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। लीजिए, हमारी बहुत ही लजीज टैम्पटिंग सी सब्जी बनकर तैयार है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना, तो जल्दी से आप भी बना दीजिए बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से ये सब्जी, और 15 दिन तक इसका मज़ा लीजिए। इसे आप रोटी, पूड़ी, पराठा, बाजरे की रोटी, सभी के साथ मोटी रोटी, जिसके साथ आपका मन है, सर्व कर सकते हैं। और अगर ये सब्जी है तो इसके साथ आपको सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसी लगी इजी एंड क्विक रेसिपी आपको? अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये आसान रेसिपी से बना पाएं। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज़।